नमस्कार सभी को, मैं आज आपको कक्षा पाँचवीं शिष्यवृत्ति में विषय गणित में समांतर रेखाएं और लंब रेखाओं के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि समांतर रेखा किसे कहते हैं तथा लंब रेखा किसे कहते हैं। तो सबसे पहले मैंने देखिए, मैं समांतर रेखा के बारे में आपको बता रहा हूं। ये समांतर रेखा एक यहाँ दो खींची गई है और इसकी परिभाषा क्या है, देखिए कि समांतर रेखा कहते किसे हैं। समांतर रेखाओं को किसी भी दिशा में कितना भी बढ़ाएं, वे एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। अर्थात समांतर रेखा, रेखा पहले किसे कहते हैं ये हमें समझ लीजिए। देखिए इसे रेखा कहते हैं। रेखा के दोनों तरफ तीर का ऐसे निशान लगा रहता है, यहाँ भी निशान लगा हुआ है, देखिए यहाँ भी तीर का निशान लगा हुआ है। अर्थात इस रेखा को हम इस तरफ भी जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं और इस तरफ भी, अर्थात दाएं और बाएं दोनों तरफ। जैसे ये देखिए ये रेखा बनी हुई है, इन रेखाओं को हम ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ किस तरफ भी हम अधिक से अधिक बढ़ा सकते हैं। और ये रेखा जो है ये समांतर रेखाएँ हैं, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी, अर्थात एक दूसरे को ये काटेंगी नहीं, ये कभी एक दूसरे को मिलेंगी नहीं। तो समांतर रेखा की परिभाषा में देखिए बच्चों हमें क्या करना है। समांतर रेखाओं को किसी भी दिशा में कितना भी बढ़ाएं, वे एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती, ऐसी इन रेखाओं को समांतर रेखा कहते हैं। अब हम देखिए लंब रेखा किसे कहते हैं। तो लंब रेखा समझने के लिए पहले उसे उसकी हम परिभाषा देखेंगे। लंब रेखा किसे कहते हैं और लंब रेखा की परिभाषा क्या है। तो देखिए जब दो रेखाएं एक दूसरे से मिलकर 90 अंश का कोण बनाती हैं तब वे रेखाएं एक दूसरे पर लंब होती हैं, ऐसा कहा जाता है। अर्थात देखिए ये चित्र बना हुआ है, यहाँ एक रेखा M है, A है तथा ये दूसरी रेखा जो है B है। तो ये B जो रेखा है ये A पर लंब है, इसका वाचन हम किस तरह से करेंगे। रेखा B लंब रेखा A, इसकी परिभाषा फिर से समझ लीजिए। जब दो रेखाएं एक दूसरे से मिलकर ये दो रेखाएं हैं एक दूसरे से मिलकर 90 अंश का कोण बनाती हैं तब वे रेखाएं एक दूसरे पर लंब होती हैं। जैसे देखिए यहाँ भी 90 अंश का कोण है, यहाँ भी 90 अंश का कोण है, यहाँ भी 90 अंश का कोण है, यहाँ भी 90 अंश का कोण है। तो इस लंब रेखा का वाचन हम इस तरह से करेंगे, रेखा बी लंब रेखा ये। समांतर रेखाएं तथा लंब रेखाओं पर कुछ प्रश्न किस तरह से परीक्षा एग्जाम में आते हैं, तो उन प्रश्नों का नमूना मैंने यहाँ बनाया है और उन प्रश्नों को देखिए कि उसे हम कैसे लगाएंगे। प्रश्नों को हमें पहले ध्यान से उसे पढ़ना है और पढ़ करके प्रश्नों को समझना है तो उसे उसका उत्तर हमें ढूंढने में आसानी हो जाएगी। जैसे देखिए पहला प्रश्न है, किसी रेखा पर लंब दो रेखाएँ परस्पर होती हैं। तो यहाँ देखिए पहले उत्तर पर्याय है समांतर, दूसरा में है प्रतिच्छेदित, तीसरा है लंब और चौथा है संगामी। तो बच्चों इन्हीं चार पर्यायों में एक उत्तर छुपा हुआ है। तो हमें प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, किसी रेखा पर लंब दो रेखाएं परस्पर। तो यहाँ लंब दो रेखाओं परस्पर क्या होती हैं, तो हमें इसका उत्तर पहला क्रमांक का मिलता है कि वे दो रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो ये हमें समझ में आ गया। अब उत्तर पर्याय में हम क्या करेंगे, इस पहले नंबर गोले को हम इस तरह से इसको पूरा रंग देंगे, उत्तर पत्रिका में हम रंगेंगे। यह एक नमूना प्रश्न पत्र है, अतः मैं आपको यहाँ पर इस तरह से रंग करके दिखा रहा हूँ। इसको मैंने रंग दिया और ये हमें पता चल गया कि पहले
पहले प्रश्न के क्रमांक का उत्तर पर्याय एक जो है ये समांतर वाला सही है। इसी तरह से अब इसमें देखिए दूसरा प्रश्न है, दो समांतर रेखाओं को आगे बढ़ाने पर रिक्त स्थान होता है। दो समांतर रेखाएं हैं और जब उन्हें आगे बढ़ाएंगे तो उसमें क्या होगा ये हमें वहाँ लिखना है। को हमें फिर से ध्यान से पढ़ना है, दो समांतर रेखाओं को आगे बढ़ाने पर, इसमें उत्तर पर्याय देखिए चार दिया गया है। पहला है एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, दूसरा है बहुत अधिक बढ़ाने पर प्रतिच्छेदित करती हैं, तीसरा है प्रतिच्छेदित नहीं करती और चौथा है आगे एक होकर जाती हैं। तो हमें ध्यान से देखना है कि समांतर रेखाओं की परिभाषा हमें पता है कि समांतर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, तो इसमें जो है ये तीन नंबर का पर्याय जो है प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं यह सही होगा। तो उत्तर पर्याय में हमें जाना है और जा करके ये तीन नंबर का जो पर्याय है तीन नंबर क्रमांक को हमें इस तरह से गोल गोल रंग देना है तो हमारी समझ में आ जाएगा। और ये उत्तर इसका तीन नंबर का पर्याय है कि दो समांतर रेखाएं को आगे बढ़ाने पर प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। प्रश्न क्रमांक तीन को देखिए, प्रश्न क्रमांक तीन है, जब दो रेखाएं परस्पर लंब होती हैं तब वे एक दूसरे से कितने अंश का कोण बनाती हैं। तो उत्तर में देखिए चार पर्याय है, पहले पर्याय क्रमांक पर है 180, दूसरे क्रमांक पर है 0 अंश और तीसरी पर है 360 अंश और चौथे क्रमांक पर है 90 अंश। तो हमें ज्ञात है इसकी परिभाषा हमने पढ़ा कि जब दो रेखाएं परस्पर लंब होती हैं तब वहां 90 अंश का कोण बनता है। तो ये चार नंबर का पर्याय जो है बच्चों ये सही है। तो उत्तर पर्याय में हम ध्यान से देखेंगे और इस चार नंबर के पर्याय को क्या करेंगे, हम इस तरह से रंग देंगे और इसका उत्तर हमें मिल गया कि जब दो रेखाएं परस्पर लंब होती हैं तब वे एक दूसरे से 90 अंश का कोण बनाती हैं। तो चार नंबर पर 90 अंश है, अतः इस प्रश्न का उत्तर ये चार नंबर का पर्याय होगा। प्रश्न क्रमांक चार को देखिए, वर्ग की संलग्न भुजा परस्पर, यहाँ रिक्त स्थान है, होती है। तो इसमें उत्तर है देखिए, पहला न्यून कोण, दूसरा लंब, तीसरा समांतर और चौथा अधिक कोण में। तो बच्चों हमें ध्यान से देखना है कि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं और वे एक दूसरे पर जहाँ भी मिलती है 90 अंश का कोण बनाती हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है ये लंब होगा। दो नंबर का ये पर्याय जो है ये सही है। तो हम उत्तर पर्याय में जाएंगे और इस दो नंबर के क्रमांक को इस तरह से हम क्या करेंगे, रंग देंगे कि वर्ग की संलग्न भुजा परस्पर लंब होती है। जहाँ भी वर्ग की भुजाएं मिलती हैं वे 90 अंश का कोण बनाती हैं। तो इसका उत्तर ये दो नंबर का पर्याय होगा। क्रमांक पाँच को देखिए, प्रश्न क्रमांक पाँच क्या है, दो समांतर रेखाओं में अंतर रिक्त स्थान होता है। तो इसमें उत्तर पर्याय हम देख रहे हैं, पहले क्रमांक पर है कम होते जाती है, दूसरे पर है बढ़ते जाती है और तीसरे पर है बहुत अधिक होते जाती है, चौथे पर है समान होती है। समान होती है या समान होता है? तो बच्चों हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं में अंतर क्या होता है, समान होता है। तो इसमें जो है ये चार नंबर का पर्याय जो है सही है। तो हम उत्तर पर्याय में जा करके इस चार नंबर के पर्याय को क्या करेंगे, इस तरह से रंग देंगे तो इसका उत्तर हमें मिल जाएगा कि दो समांतर रेखाओं में अंतर जो है ये समान होता है। और इस प्रश्न का उत्तर जो है ये पर्याय क्रमांक चार जो है यह सही है। प्रश्न क्रमांक छः देखिए, प्रश्न क्रमांक छः में क्या है, तुम्हारे कॉपी के
संलग्न भुजा में कितने अंश का कोण बनता है। तो हमारी कापी जो है, कापी का जो चारों कोना है बच्चों, आप जानते हैं कि वो 90 अंश का है। तो इसमें उत्तर पर्याय देखिए, पहले पर्याय में है 0 अंश, दूसरे पर है 270 अंश, और तीसरे पर है 360 अंश, और चौथे क्रमांक पर है 90 अंश। तो इसका बच्चों उत्तर पर्याय, ये चार नंबर का पर्याय जो है, ये सही होगा कि हमारी जो कापी है, तो कापी की संलग्न भुजा में 90 अंश का कोण बनता है। इसी तरह से किताब की भी संलग्न भुजा में 90 अंश का ही कोण बनता है। तो इस प्रश्न का उत्तर पर्याय क्रमांक 4 जो है, यह सही है। इसी तरह से प्रश्न क्रमांक 7 को देखिए कि 7 नंबर पर क्या है बच्चों। आयत की सम्मुख भुजा परस्पर, खाली स्थान रिक्त स्थान है कि आयत की सम्मुख भुजा कैसी होती है, इसका उत्तर पर्याय देखिए। इसमें 4 है, पहला क्रमांक है प्रतिच्छेदित करती है, दूसरा है लंब होती है, तीसरा है समांतर होती है, और चौथा है बढ़ने पर प्रतिच्छेदित करती है। तो हमें ध्यान देना है, यहाँ हमें सम्मुख भुजा पूछा है, अर्थात सामने वाली भुजा। तो वर्ग आयत की आमने सामने की भुजा जो है वो समान होती है, समान अर्थात समांतर होती हैं। तो यहाँ हमें उत्तर पर्याय ये 3 नंबर का पर्याय जो है ये सही है, समांतर होती है। तो हम उत्तर पर्याय में जा करके इस 3 नंबर की जो 3 नंबर के पर्याय को हम इस तरह से रंग देंगे, अर्थात आयत की सम्मुख भुजा परस्पर क्या होती है, समांतर होती है। इसका पर्याय क्रमांक 3 जो है, यह सही उत्तर है। इसी तरह से देखिए अब सवाल क्रमांक 8 को हम देखते हैं क्या है, वर्ग की सम्मुख भुजा परस्पर। यहाँ भी उसी तरह से प्रश्न है कि सामने वाली भुजा जो है वो कैसी होती है। तो इसमें देखिए उत्तर पर्याय है प्रतिच्छेदित, लंब होती है, समांतर होती है, बढ़ने पर प्रतिच्छेदित करती है। तो यहाँ वर्ग की सम्मुख भुजा कैसी होती है, तो वर्ग की सम्मुख भुजा जो है, वर्ग की सम्मुख भुजा जो है बच्चों समान होती है, समान अर्थात समांतर होती है। तो इसमें उत्तर पर्याय क्रमांक 3 जो है ये सही है, समांतर होती है। तो उत्तर पर्याय में हम जा करके 1, 2, 3 नंबर के क्रमांक को हम इस तरह से रंग देंगे। तो अर्थात वर्ग की सम्मुख भुजा परस्पर क्या होती है, ये समांतर होती है। आमने सामने समांतर अर्थात वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं, आमने सामने की भुजा समान होती हैं, समान अर्थात समांतर होती है। इस प्रश्न का उत्तर पर्याय क्रमांक 3 जो है ये सही है। इसी तरह से हमें 9 को देखना है कि प्रश्न क्रमांक 9 में क्या है, आयत की संलग्न भुजा परस्पर रिक्त स्थान होती हैं। तो इसमें 3 पर्याय है, चार पर्याय है देखिए। पहला पर्याय है लंब होती हैं, दूसरा क्रमांक है लंब नहीं होती, और तीसरे क्रमांक पर है न्यून कोण पर प्रतिच्छेदित करती हैं, और इसका चौथा पर्याय है अधिक कोण पर प्रतिच्छेदित करती हैं। तो बच्चों हमें ध्यान देना है कि आयत की संलग्न भुजा अर्थात आयत जिस भुजा से जुड़कर बना है, जैसे हमने ये आयत बनाया और ये आयत बन करके तैयार हो गया, इसकी संलग्न भुजा जैसे इस भुजा को जोड़ने को संलग्न कहते हैं, जहाँ ये भुजा जुड़ी हो। तो अर्थात इसका पर्याय क्रमांक 1 जो है ये सही है कि आयत की संलग्न भुजा लंब होती है, यहाँ एक दूसरे पर ये लंब हो रही है। तो इसके उत्तर पर्याय क्रमांक 1 जो है ये सही है कि आयत की संलग्न भुजा क्या होती है, लंब होती है। इसी तरह से वर्ग की भी संलग्न भुजा बच्चों लंब होती है। और हमें ध्यान से इन सवालों को पढ़ना है और पढ़ करके हमें लगाना है। तो इस प्रश्न का उत्तर पर्याय क्रमांक 1 सही है।